फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल आरजे ज्योति रावत। एंड ये जो बैकग्राउंड पीछे आप देख रहे हैं, ये है स्टोरी जोन। नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी आर्टिस्टिक जगह है। तो जो लोग आज मेरा ये वीडियो चेक कर रहे हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि स्टोरी जोन का आप एक वीडियो बनाएं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगी स्टोरी जोन के बारे में, बट उससे पहले ये स्टार्ट किसने किया। सो निशा ज्योति यहाँ की फाउंडर हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली 1 ईयर कम्प्लीट किया है स्टोरी जोन का, और काफ़ी ग्रो भी कर रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं अभी तक, इनके मल्टीपल बैचेस इन्होंने जो है अभी तक डिलीवर कर चुका है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी यही रहती हूँ, HSR से जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे था ये स्टोरी जोन, सो आई थॉट कि चलो जाके एक बार एक्सपीरियंस जो है लिया जाए। तो आपको पूरी स्टोरी में सब चीज़ दिखा दूँगी, क्या होता है यहाँ, पैकेजेस क्या होती हैं, कितना ड्यूरेशन रहता है, क्या क्या आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं यहाँ पे। बट स्टे ट्यून्ड, बाय। HSR में Sector 7 में आपको शिवम सैनिटरी जो है वो बिल्डिंग का रेफरेंस लेना होगा। अगर आपको स्टोरी जोन पहुंचना है तो शिवम सैनिटरी के जस्ट अपोजिट में आपको स्टोरी जोन की बिल्डिंग दिख जाएगी। वैसे तो आपको लिफ्ट वहां पर दिया हुआ है, स्टेयरकेस भी है, लेकिन लिफ्ट जो है वो सिर्फ सेकेंड फ्लोर तक जाती है। तो उसके बाद आपको स्टेयरकेस अल्टीमेटली लेना ही होगा, और उसके बाद आपको स्टोरी जोन का जो है बोर्ड दिखाई दे देगा। ऑफिस जो है उनका वहां पर ही है इनिशियली, जैसे आप वीडियो पे देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही कलरफुल जगह है, स्पेशियस है, लगता ही है एकदम से घुसने के साथ एक वाइब आ जाती है कि ये आर्टिस्टिक जगह ही है। लाइक इतनी कलरफुल और इतना अच्छा एम्बियंस बना के रखा है यहाँ की जो ओनर है निशा ज्योति ने, कि आपको घुसते ही ऐसा लगेगा कि वायर बस चलो आप क्रिएटिविटी स्टार्ट करते हैं। अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर आप कर सकते हो। पैकेज की डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ टेक्सचर आर्ट करने के लिए, चूँकि मेरा इंटरेस्ट था उस पर। और इसके अलावा ये रेजन आर्ट भी करवाते हैं, पोर पेंटिंग भी करवाते हैं, मंडला आर्ट, और बहुत सारे जो है इवेंट्स भी करवाते हैं। लाइक अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आके म्यूज़िक लाइव इवेंट भी इनका होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं अपना म्यूज़िक का इंटरेस्ट दिखाने के लिए। आप चाहें तो ओपन माइक का भी इवेंट इनका अटेंड कर सकते हैं। अगर आप थिएटर में आपका इंटरेस्ट है तो इम्प्रो कर सकते हैं आप यहाँ पर आकर। यानी कि फुल ऑन पैसा वसूल वाली जगह है ये। अगर आपको ज़्यादा आप कैफ़ेज़ नहीं जाना है बैंगलोर में या और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ आकर के टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर आप आर्ट एंड क्राफ्ट की बातें कर रहे हैं, साथ में कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अपने आप में नया एक्सपीरियंस है बैंगलोर में, जो कि स्टोरी जोन ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं जो टेक्सचर आर्ट के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वर्कशॉप अटेंड करने। तो मैंने इन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, टाइमिंग मैंने पूछा कि वर्कशॉप का क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्राइसिंग क्या है, और उसके बाद मैं सीधा पहुँच गई स्टोरी जोन। चूँकि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ टेक्सचर आर्ट के लिए, तो इन्होंने मुझे एकदम बिगिनिंग से बताया सारी चीज़ें कि क्या मटेरियल यूज़ होना है, कैसे आपको जो है फर्स्ट स्टेप करना है, सेकेंड स्टेप कैसे करना है, कोडिंग कैसे करनी है, एक एक चीज़ इन्होंने मुझे बताया। जैसे कि आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर वीडियो भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम था गाइस। हाँ, भले से मुझे ड्राइंग एंड आर्ट ये सब पसंद तो है ही, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो सारे मटेरियल जो है इन्होंने ही प्रोवाइड किया, मैं सिर्फ अपने घर से लेकर गई थी अपने क्रिएटिव आइडियाज कि मुझे क्या बनाना है कैनवास पे, रेस्ट दे हैव टेकन केयर ऑफ इट। तो काफ़ी आसानी से हो गया, लाइक 15 मिनट्स ड्राई होने के लिए लगा, बेसिक कोटिंग करने के लिए कुछ 15 मिनट्स लगे, फिर पेंट्स जो कलर पेंट करने थे हमने उन्हें बता दिया क्या क्या कलर्स जो है हम बनाना चाहते हैं उस कैनवास में, तो वो कलर हमें प्रोवाइड कर दिया इन्होंने। इंस्ट्रक्शन बीच में देते रहे अगर हम कुछ गलत भी कर रहे थे, तो बहुत ही यानी स्मूथली जो है, कब हमारा 2 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। ये आर्ट करते करते उनसे बात करते हुए, निशा ज्योति खुद में ही एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है वो, कि आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी लगी मुझे उनसे मिलने पे, और मेरा थॉट प्रोसेस भी यही कह रहा था कि स्टोरी जोन जाके मैं ये करूं। तो ये है स्टोरी जोन की कहानी, आर्ट एंड द आर्टिस्ट। आपको पैकेज की डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी वर्कशॉप आपको करना है। तो ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।